एंड वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एवरीवन। आई होप आप फिट एंड फाइन होंगे। मैं नंदी एक बार फिर से आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक इन्फॉर्मेशन जो कि है मेकअप से रिलेटेड। एवरीवन, मेकअप आजकल हर कोई कर लेता है। यूट्यूब इंस्टाग्राम पे वीडियोस देख देख के हमको उतना आइडिया लग जाता है कि मेकअप किस तरीके से करना और कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं। लेकिन हमने कभी कभी देखा हुआ कि मेकअप में कुछ सिमिलर प्रोडक्ट्स होते हैं जो एक जैसे दिखते हैं लेकिन वो अलग अलग फॉर्म में आते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, उनका यूज क्या अलग होता है, वो मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि अगर मार्केट में एक ही प्रोडक्ट अलग अलग फॉर्म में आ रहा है तो उनके यूजेस भी अलग अलग होंगे और उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर होगा। तो मैं आपको बताती हूँ, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चैनल पर न्यू हो तो ऐसे ही आगे आपके साथ वीडियो में शेयर करती रहूंगी। वो इंतजार खत्म करते हैं, मैं बात करने वाली हूँ आज कॉम्पैक्ट पाउडर वेस टीएल पाउडर। हाँ जी दोस्तों, कॉम्पैक्ट पाउडर वेस टीएल पाउडर, इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं, ये अलग अलग फॉर्म में आते हैं तो क्यों आ रहे हैं और इनके यूजेस क्या क्या होते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। पहले तो बात कर लेते हैं कि इनकी जो पैकेजिंग होती है टीएल वेस कॉम्पैक्ट पाउडर की, वो बिल्कुल ही अलग होती है। एक पहला डिफरेंस ये होता है, सबसे पहला डिफरेंस जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है पैकेजिंग का। इन दोनों प्रोडक्ट की पैकेजिंग अलग अलग आती है। जैसे कि कॉम्पैक्ट पाउडर की बात करें तो उसकी पैकेजिंग जो होती है वो लूज पाउडर से बिल्कुल अलग होती है। लूज पाउडर की पैकेजिंग आपने देखी होगी, उसका जो टेक्सचर होता है वो एक लूज फॉर्म में होता है। वहीं कॉम्पैक्ट पाउडर की जो पैकेजिंग होती है उसका जो टेक्सचर होता है वो स्टक होके आता है किसी भी प्रोडक्ट की सेटिंग में। सेकेंड डिफरेंस की बात करें तो कॉम्पैक्ट वेस टीएल पाउडर, ये दोनों ही मेकअप को सेट करने के लिए काम आते हैं। अब दोनों ही सेट करने के लिए काम आते हैं तो दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं, किस वे में हम टीएल पाउडर को और किस वे में कॉम्पैक्ट पाउडर को हम यूज में लेते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको अपने मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाना है तो आप वहां पर टीएल पाउडर को ना यूज करके आप कॉम्पैक्ट पाउडर को यूज करिए, क्योंकि कॉम्पैक्ट पाउडर की जो कवरेज होती है वो टीएल पाउडर से काफी ज्यादा होती है। इसलिए अगर आपको अपना मेकअप लॉन्ग लास्टिंग बनाना है या काफी टाइम तक स्टे रखना है तो आपको कॉम्पैक्ट पाउडर ही यूज करना होगा। बात करें कि अगर आपको अपना मेकअप एक दो घंटे के लिए कैरी करना है तो आप टीएल पाउडर की हेल्प से अपने मेकअप की बेकिंग कर सकते हैं। सेकेंड फॉर्म होता है वो होते हैं कॉम्पैक्ट पाउडर। कॉम्पैक्ट पाउडर में आपको शेड्स मिलते हैं, जैसे कि हमको फाउंडेशन में मिलते हैं, तो शेड्स के थ्रू हम मेकअप को बेकिंग करते हैं। जो टीएल पाउडर होते हैं वो बहुत ज्यादा मेकअप को ड्राई कर देते हैं। आप जब फाउंडेशन लगा लेते हैं और आपकी बारी आती है मेकअप को बेकिंग करने की, तो जो टीएल पाउडर है वो आपका एक्सेस ऑयल होता है फेस का, उसके साथ साथ आपके नेचुरल ऑयल को भी सक कर लेते हैं। वही आपके जो कॉम्पैक्ट पाउडर होते हैं आपके मेकअप को, आपने जो बेस अपना रेडी किया है उसको एक नेचुरल लुक देते हैं और जो आपका नेचुरल ऑयल होता है उसको सक नहीं करते। इसलिए आपका टीएल पाउडर के अकॉर्डिंग कॉम्पैक्ट पाउडर से जो मेकअप होता है वो और ज्यादा ग्लोई और शाइनी दिखता है। इसलिए होता है एवरीवन, क्योंकि जो टीएल पाउडर होते हैं वो कॉम्पैक्ट पाउडर के अकॉर्डिंग थोड़ा सा हैवी वेट में होते हैं, वहीं कॉम्पैक्ट पाउडर लाइट वेट में होते हैं। इसलिए जो टीएल पाउडर होते हैं वो आपके बेस को थोड़ा सा ड्राई कर देते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि कहाँ पर हम टीएल पाउडर और कहाँ पर कॉम्पैक्ट पाउडर का यूज कर सकते हैं। तो टीएल पाउडर का यूज हम अपने अंडर आई और जहां पर हमने कंसीलिंग से हाईलाइटिंग की है अपने मेकअप पर, वहां वहां हम टीएल पाउडर का यूज कर सकते हैं। और कॉम्पैक्ट पाउडर का यूज हम बाकी सरफेस पर कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि अंडर आई और जहां पर हमने कंसीलिंग की है, जहां पर कंसीलर से हाईलाइट किया है अपने मेकअप को, वहां वहां से हमारा मेकअप हटने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। अंडर आई से हमारा मेकअप कब हट जाता है हमको पता नहीं रहता, इसलिए इस एरिया पर हम टीएल पाउडर यूज करें तो ज्यादा अच्छा होगा। डिफरेंस की बात करें तो वो ये है कि हम कॉम्पैक्ट पाउडर को बिना किसी फाउंडेशन यूज किए बिना भी लगा सकते हैं, लेकिन जो टीएल पाउडर होते हैं वो हमारे प्रॉपर बेकिंग का काम करते हैं, इसलिए उनको फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद ही यूज किया जाता है। और इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के लिए लेके आती रहूंगी आगे भी, तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए शेयर करूँ वो आप तक पहुंचे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।